जानदा है मैं छट नहीं सक तो दोस्तों आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर आपको इस तरह के ट्रेंडिंग लिरिक्स टेक्स्ट एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए दो ऐप्स को यूज करना है। एक का नाम है काइमाशर और दूसरे का नाम है नोट वीडियो। दोस्तों दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पर आप फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली काइमाशर ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काइनमाशर ओपन हो चुका है। सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले इस प्लस मार्क पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रेशियो है 16:9, इसको यहाँ पर आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक एम्प्टी प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आपको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले जाना है यहाँ पर मीडिया के अंदर और बैकग्राउंड के अंदर जाना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, इसको सिलेक्ट करना है और इसको कर देना है ओके। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ड्यूरेशन सिर्फ 4.4 है। आपको दोस्तों क्या करना है, जितना भी आप स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं उतनी लेंथ दोस्तों यहाँ पर आपको इसकी कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको एक 12 सेकंड का वीडियो क्रिएट करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12.1 इतना रख लीजिए और इसको कर देना है ओके। फिर दोस्तों आ जाना इसके स्टार्टिंग पोजीशन पर और उसके बाद में दोस्तों अभी आपको क्या करना है, जो भी आप सॉन्ग के ऊपर लिरिक्स क्रिएट करना चाहते हैं उस सॉन्ग को दोस्तों यहाँ पर आपको लोड करना है। उसके लिए दोस्तों आपको जाना है यहाँ पर सिंपली ऑडियो के अंदर और अपना जो भी सॉन्ग है दोस्तों उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सॉन्ग को यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको कर देना है ओके। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली जाना है लेयर के अंदर और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है टेक्स्ट करके, इसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपके जो लिरिक्स है वहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइन है आपको सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना है राइट, कॉपी एंड आपको जाना है दोस्तों सिंपली काइनमास्टर के अंदर और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है राइट इस तरह से कर देने के बाद इसको कर देना है ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शो करेगा, आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो लेंथ है वो सेम नहीं है, सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पर आपको इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो आपको कर लेना है सेम और फिर से आ जाना है इसके स्टार्टिंग पोजिशन पर, इसको कर दीजिए ओके। फिर दोस्तों उसी लेयर के पर आपको टच करना है और यहाँ पर आपको जाना है इन एनिमेशन के अंदर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है फेड, इसको सेलेक्ट करना है और इसको कर देना है ओके। फिर दोस्तों उसी लेयर के पर आपको टच करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक और एक ऑप्शन है आउट एनिमेशन करके, इसको सेलेक्ट करना है। फिर इसको भी जो है दोस्तों फेड सेलेक्ट करके इसको कर देना है ओके। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इसका फॉन्ट आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली उसी लेयर के ऊपर आपको टच करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक ऑप्शन है ए करके, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे फॉन्ट आपको मिल जाएंगे, जो भी फॉन्ट दोस्तों आपको अच्छा लगता है वो फॉन्ट आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड करके रखा है मैंने, तो इसको यूज करूंगा एंड देख सकते हैं इसको सिलेक्ट करना है और इसको कर देना है ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शो करेगा और इसको कर देना है ओके। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपका जो सॉन्ग है दोस्तों इसको एक बार प्ले करके आपको देख लेना है, जहाँ जहाँ पर आपकी जो लाइन कंप्लीट हो रही है वहाँ पर आपको एक कट बिठा लेना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो लाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है आपकी जो टेक्स्ट वाली लेयर और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं एक ऑप्शन है सीजर का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको स्प्लिट कर लेना है एंड इसको कर देना है ओके। सिंपली दोस्तों वही पूरा प्रोसेस है, आपको जो है इस तरह से स्प्लिट आपको पूरा वीडियो कर लेना है जितना भी आप लंबा वीडियो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए फिर से एक बार मैं प्ले करता हूँ राइट, इतना आना है फिर इसके ऊपर क्लिक करना है फिर स्प्लिट एंड स्प्लिट ओके। फिर एक बार प्ले कीजिए, जाना है स्प्लिट और इसको कर देना है ओके। तो दोस्तों इस तरह से इस प्रोसेस को यूज करके पूरा जो सॉन्ग है दोस्तों जितना भी आप लंबा बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पर सबको इस तरह से स्प्लिट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरा पार्ट है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको जाना है आपके नोट पैड के अंदर और आपकी जो दूसरी लाइन है दोस्तों उसको यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है एंड दोस्तों फिर आपको जाना है वही काइनमास्टर के अंदर
और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक ऑप्शन है कुछ इस तरह का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको जो भी है दोस्तों इसको रीनेम करके जो आपने अभी जो कॉपी करा था उसको यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है एंड इसको कर देना है ओके। सिंपली दोस्तों वही पूरा प्रोसेस है और आपको इसको जो सेलेक्ट कीजिए और आपको जाना है वही एंड इसको कॉपी कर लीजिए एंड फिर से आपको जाना है काइनमास्टर के अंदर और उसी ऑप्शन के अंदर जाना है और इसको जो रीनेम करके जो भी आपने अभी जो कॉपी करा था उसको यहाँ पर आपको लोड कर लेना है एंड इसको कर देना है ओके। कॉपी, फिर आपको जाना है काइनमास्टर के अंदर और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसको रीनेम करके जो भी आपने अभी जो कॉपी करा था उसको यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है एंड इसको कर देना है ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इस प्रोसेस को यूज करके आपको जो है दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी जो लिरिक्स है उसको यहाँ पर इस तरह से एनिमेशन आपको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको इसको कर देना है सिंपली सेव। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपको कुछ इस तरह का, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्प्लीटली एक्सपोर्ट हो चुकी है। अभी दोस्तों आपको जाना है पूरा बैक और नोड एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इस न्यू के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक ऑप्शन है प्लस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों जाना है मीडिया और वीडियो और आपने अभी जो क्रिएट करा है दोस्तों उस वीडियो को यहाँ पर आपको लोड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शो करेगा, आपको क्या करना है बस थोड़ा आगे जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना आगे आने के बाद में दोस्तों आपको जाना है यहाँ पर इस प्लस मार्क के ऊपर और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेट स्टोर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लो स्कैन, इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा प्रोफेशनल ग्लो इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लो कलर, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आप जो भी कलर आप क्रिएट करना चाहते हैं सिंपली उसको यहाँ पर आपको क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे क्रिएट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से स्लाइड करके जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ब्लू राइट। तो इस तरह से कर देने के बाद कहीं पर भी यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है राइट, इस तरह से कर दीजिए और फिर से आपको जाना है नीचे थोड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही प्लस का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर से आपको जाना है एसेट स्टोर और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल करेंगे रेन ड्रॉप, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा ब्लर हो गया है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लर जो स्ट्रेंथ है 0.10 है, इसको दोस्तों इस तरह से आपको कर लेना है 0 राइट। बस दोस्तों आपको इतना ही करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो ग्रीन वाला बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट, प्लीज डोंट क्लोज नोड वीडियो। तो दोस्तों इस तरह से इस प्रोसेस को यूज करके आप भी अपने एंड्रॉइड फोन में काइनमास्टर की मदद से इस तरह से ग्लोइंग टेक्स्ट लिरिक्स वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर वीडियो को जरूर लाइक करें।